जय माता दी। सभी भक्तों को नमस्कार। आज इस वीडियो में हम दुर्गा कवच का जाप करेंगे। दुर्गा कवच का रोज नियमित रूप से जाप करने से माँ दुर्गा की कृपा अपने भक्तों पर बरसती है। दुर्गा कवच का पाठ कर घर से निकलने पर माँ अपने भक्तों की पग पग रक्षा करती है और आपके कामों को सिद्ध करती है। रोज भावपूर्ण नियमित रूप से जाप करने पर मनुष्य को सभी तरह के रोगों से राहत मिलती है। यह दुर्गा कवच मार्कंडेय पुराण में लिखा गया है। तो आइए इस देवी कवच के हिंदी भावार्थ का श्रवण करते हैं और समझते हैं कि देवी क्यों और कैसे अपने भक्तों की रक्षा करती है। मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिनसे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है तथा आपने अब तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया, वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच है। यह स्त्रोत भी है। इसके पाठ से साधक सर्वथा सुरक्षित रहता है। यह अत्यंत गोपनीय है। हे मुने, उसे सुनिए। हे मुने, दुर्गा की नव शक्तियों में पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री है, हिमालय कन्या पार्वती है। दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात कराने वाली है। तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है, चंद्रमा जिसकी घंटा में हो। चौथी शक्ति कूष्मांडा है, सारा संसार जिसके उदर में निवास करता हूँ। पांचवी शक्ति स्कंद माता है, कार्तिकेय की जननी है। छठी शक्ति कात्यायनी है, महर्षि कात्यायन के अप्रतिम तेज से उत्पन्न होने वाली है। सातवीं शक्ति कालरात्रि समस्त सृष्टि का संहार करने वाली है तथा आठवीं शक्ति महागौरी, शिव के माँ काली कहने पर क्रोध से जिन्होंने तपस्या कर ब्रह्मदेव से गौरवण प्राप्त किया था। नवी शक्ति सिद्धिदात्री है, समस्त जगत को अनिमा लगिमा प्राप्ति प्राकम्य महिमा यह रूपों से सिद्धि देने वाली है। ये नवदुर्गा कही गई हैं। ये शक्तियाँ सर्वज्ञ ब्रह्मदेव द्वारा कही गई हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिर गया हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, वह यदि देवी भगवती दुर्गा की शरण का सहारा ले ले तो उसका कभी भी युद्ध या संकट में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे कोई विपत्ति नहीं घेर सकती और ना उसे शोक दुख तथा भय की ही प्राप्ति हो सकती है। जो लोग भक्ति पूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं, उनका अभ्युदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा देवी प्रेत के वाहन पर आरूढ़ रहती है। वाराही महिष के आसन पर रहती है। इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी का वाहन गरुड़ है। माहेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कौमारी मोर के वाहन पर विराजमान है। श्री विष्णुपति भगवती के हाथों में कमल है तथा वे कमल के आसन पर निवास करती हैं। श्वेत वन वाली ईश्वरी वृषभ पर सवार करती हैं। भगवती ब्रह्मणी संपूर्ण आभूषणों से युक्त हैं तथा वे हंसासन पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषण तथा रत्नों से देदीप्यमान उपर्युक्त सभी देवियाँ सभी योग शक्तियों से युक्त हैं। इनके अतिरिक्त और भी देवियाँ हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्तों की रक्षा के लिए क्रोधायुक्त होकर रथ में सवार हैं तथा इनके हाथों में शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल है। खेटक तोमर परशु पाश भाला त्रिशूल तथा उत्तम शांगेट धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान हैं। जिसने देवताओं की रक्षा होती है तथा देवी जिन्हें दैत्यों की देह नाश तथा भक्तों के मन में रहने से भय नाश के लिए धारण करती हैं। महाभय का विनाश करने वाली महान बल महाघोर कर्म तथा महान उत्साह से सुसंपन्न हे महारौद्रे, तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्गज तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। इंद्रिय शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे तथा अग्नि देवता की अग्नि शक्ति अग्नि कोण में हमारी रक्षा करे। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में, खदक धारिणी नैऋत्य कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली वाव्य कोण में हमारी रक्षा करे। भगवान कार्तिकेय की शक्ति कौमारी उत्तर दिशा में, शूल धारण करने वाली ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्माणी शक्ति ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति हमारे नीचे हमारी रक्षा करें।
इसी प्रकार शव के ऊपर विराजमान चामुंडा देवी दसों दिशाओं में हमारी रक्षा करें। आगे जया, पीछे विजया हमारी रक्षा करें। बाएं भाग में अजिता, दाहिने भाग में अपराजिता, शिखा में अध्योतनी तथा मस्तक की उमा नियम पूर्वक हमारी रक्षा करें। ललाट में माला धरी, दोनों भवों में यशस्विनी, भुवों के मध्य में त्रिनेत्रा और नासिका में यम घंटा हमारी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में षडिखनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कर्ण के मूल भाग में शंकरी हमारी रक्षा करें। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अदर में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती हमारी रक्षा करें। कौमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्र घंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्व मंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली री प्रदेश की रक्षा करें। कंठ से बाहर नील ग्रीवा, कंठ की नली में नल कुवरी, दोनों कंधों की खडिगनी तथा वज्र को धारण करने वाली दोनों बाहु की रक्षा करें। दोनों हाथों में दंड धारण करने वाली अंबिका उंगलियों की हमारी रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुक्षी प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक का नाश करने वाली मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में तथा शूल धारणी उदर में स्थित होकर हमारी रक्षा करें। नाभि में कामिनी तथा गुम भाग में गुमेश्वरी हमारी रक्षा करें। कामिका तथा पूतना लिंग की तथा महिषवाहिनी गोदा में हमारी रक्षा करें। भगवती कटी प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नरसिंही दोनों पैर के घुटियों की रक्षा करें। तेजसी देवी दोनों पैर के पिछले भाग की रक्षा करें। श्रीदेवी पैर की उंगलियों की तथा तलवासिनी पैर के नीचे भाग की रक्षा करें। दष्ट कराली नखों की, उर्दर केशनी देवी केशों की, कावेरी रोमावली के छिद्रों में तथा वागेश्वरी हमारी त्वचा की रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेदे की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की तथा मुक्तेश्वरी पित्त की रक्षा करें। पद्मावती सहस्त्र दल कमल में, चूड़ामणि कफ में, ज्वालामुखी नख राशि में उत्पन्न तेज की तथा अभेद्या सभी सिंधियों में हमारी रक्षा करें। ब्रह्माणी शुक्र की, छत्रेश्वरी छाया की, धर्म धारणी देवी हमारे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। वज्रहस्ता देवी प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान वायु की कल्याण से सुशोभित होने वाली कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी तथा हमारे सत्व रज और तमो गुणों की रक्षा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्राणी यश की और कीर्ति की लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी तुम हमारे कुल की तथा हे चंडिके तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा बैरवी हमारी पत्नी की रक्षा करें। सुपथा हमारे पद की, शेमकरी मार की रक्षा करें। राजद्वार पर महालक्ष्मी तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया भयों में हमारी रक्षा करें। हे देवी इस कवच में जिस स्थान की रक्षा नहीं की गई उस अरक्षित स्थान में पाप का नाश करने वाली जयंती देवी हमारी रक्षा करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वह कवच के पाठ के बिना एक पग भी यात्रा ना करे, क्योंकि कवच का पाठ करके चलने वाला मनुष्य जिस जिस स्थान पर जाता है उसे वहाँ वहाँ धन का लाभ होता है और संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह पुरुष जिस जिस अभिष्ट वस्तु को चाहता है वह वस्तु उसे निश्चय ही प्राप्त होती है। कवच का पाठ करने वाला इस पृथ्वी पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है। वह किसी से नहीं डरता और युद्ध में उसे कोई भी हरा नहीं सकता। तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। वह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो लोग तीनों संध्याओं में श्रद्धा पूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं उन्हें देवी कला की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में उन्हें कोई जीत नहीं सकता। उस पुरुष की अपमृत्यु नहीं होती। वह 100 से भी अधिक वर्ष तक जीवित रहता है।
इस कवच का पाठ करने से लूता, विस्फोटक आदि सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष, जंगम विष, कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन तथा उच्चाटन आदि सभी प्रकार के किए गए अभिचार, यंत्र तथा मंत्र, पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवता आदि, जल में उत्पन्न होने वाले तथा उपदेश से सिद्ध होने वाली सभी प्रकार की शुद्र देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। जन के साथ उत्पन्न होने वाले ग्राम देवता, कुल क्रम से उत्पन्न होने वाले कुल देवता, कंठमाला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत भयानक बलवान डाकिनाएं, ग्रह, भूत पिशाच, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड तथा भयानक भैरव आदि सभी अनिष्ट करने वाले जीव विशेष कवच का पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य की तेज की वृद्धि करने वाला है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष इस पृथ्वी को अपनी कीर्ति से सुशोभित करता है और अपनी कीर्ति के साथ वह नित्य अभ्युदय को प्राप्त करता है। जो कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करता है, उसकी पुत्र पौत्र आदि संतति पृथ्वी पर तब तक विद्यमान रहती है जब तक पहाड़, वन, कानन और कानन से युक्त यह पृथ्वी टिकी हुई है। कवच का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला मनुष्य मरने के बाद महामाया की कृपा से देवताओं के लिए जो अत्यंत दुर्लभ स्थान है उसे प्राप्त होता है और उत्तम रूप से प्राप्त कर शिव जी के साथ आनंद पूर्वक निवास करता है। आशा है आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दुर्गा कवच का संपूर्ण फल पाने के लिए इस कवच का जाप रोज नियमित रूप से करें। जय माता दी लिखकर मां के चरणों में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं।